ज्ञानांजन तलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित वल्लभ वल्लरीके राधा पदांग विलस मधुरा स्थलीके राधांग जस मुख मुखंगांग बलीके राधा विहार विपिने रमतांग मनोमे। भजामि राधांग मरविंद नेत्रांग मरामि राधांग मधुरस्मितांग पदामि राधांग करुणामरांग ततो मम न्यास्ति गतिर्न क्वापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर त्रिवासादि गौरभक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि बार जोर से बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये श्री राधा कुंड और श्याम कुंड है। श्री रूप गोस्वामी उपदशा मृत में कहते बोले वैकुंठ जनित परा मधुपुरी तंत्रा विरासोत्सव कहते पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ जो स्थान है ये वैकुंठ है। कहीं वैकुंठ से जो श्रेष्ठ है कहते श्री मथुरा मथुरा जिससे श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम जहाँ पर कृष्ण अपना दिव्य रास को जहाँ पर उन्होंने विस्तार किया है और वृंदावन से सर्वश्रेष्ठ स्थान कहते श्री गिरिराज गोवर्धन और गोवर्धन में जो श्रेष्ठ है कहते ये राधा कुंड श्याम कुंड है। जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति नहीं हो जो ये राधा कुंड श्याम कुंड को प्यार प्रेम नहीं करे। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन ये कृष्ण का साक्षात रूप है। यदि राधा कुंड श्याम कुंड क्या है यदि इसका दो ये आंख है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर शरीर सुंदर है अगर उसका आंख नहीं हो तो बेकार है कि उसी तरह ये राधा कुंड श्याम कुंड नहीं ये कृष्ण का दो ये आंख है श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड है। कहते राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ प्रकट कैसे हुआ है बोले कृष्ण जब अपना सखाओं को साथ में गया चराते चराते आए और यहाँ पर सखियां भी राधा रानी भी अपना सखियों को साथ में यहाँ पर आए थे। इतने में जो अरिष्टासुर उसने बैल का रूप धारण करते हुए भयंकर रूप धारण करते हुए आंधी तूफान को उड़ाते हुए यहाँ पर आया। जब उन्होंने कंस ने भेजा जा मेरे काल को मार करके आओ जब कृष्ण को मारने के लिए आया इसलिए मैं कृष्ण ये सार को साथ में युद्ध करते करते यहीं पर उन्होंने अरिष्टासुर को यहीं पर उन्होंने बंद किया। जब बंद किया अभी कृष्ण जब सखियों के साथ में खेलने के लिए गए गोपियों ने कहा कन्हैया तेरे साथ हम नहीं खेलेंगे। बोले क्यों बोले तुमने एक बैल को मार दिया इसलिए गो हत्या की तेरे को पाप लग गई तेरे साथ में हम खेलना नहीं चाहते हैं। इतने में बोले बताओ फिर उपाय क्या बोले उपाय ये है ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सब में स्नान कर फिर हमारे साथ में तुम खेल सकते हो। इतने में कृष्ण ये अपना बंसुरी से उन्होंने श्री कृष्ण कुंड को उन्होंने प्रकट किया और उन्होंने सारे तीर्थ को याद करते ही गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ सत्य सब यहाँ पर प्रकट हुए। प्रभु बोले प्रभु हमारे अहो भाग्य है अब हमें आपका दर्शन मिला आदेश किया बोले तुम सबके सब ये कुंड में प्रवेश करो। सारे पृथ्वी का जितने कुंड है सबके सब ये कृष्ण कुंड में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर एक सरोवर बन गया। अभी गोपियों ने देखा श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर कुंड बना दिए लेकिन ये हमारे किशोर जी की कोई कुंड नहीं। तब सब सखियों ने मिलकर के अपना कंगन से उन्होंने
अपना कंगन से उन्होंने श्री राधा कुंड को बनाया, लेकिन पानी नहीं। कृष्ण ने कहा मेरे कुंड का पानी ले लो, बोले हम इतने छोटे थोड़ी है ये तुम्हारी कुंड का पानी लेंगे, और तुमने उसमें स्नान किया है ना, इसमें गोहत्या क्या पाप लग गई, हम तुम्हारी कुंड का पानी नहीं लेंगे, हम तो मानसी गंगा से पानी भर करके कुंड को भर देंगे। इतने में सब गोपियां मानसी गंगा जान लग गई। इतने में कृष्ण ने इशारा किया, बोले देखो तुम लोग तो मेरी कृपा को प्राप्त की है, लेकिन जब तक श्री राधा रानी को कृपा का तुम प्राप्त नहीं करते हो, तब तक मेरी कृपा पूर्ण रूप में नहीं। तुम सबके सब ट्राई कर दो और राधा जी के चरण में सबके सब लेट जाओ। जितने कुंड थे सबके सब श्री राधा जी के चरण में सबके सब नीचे लेट गए और राधा जी की वंदना करने लगे। बोले मनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक सोक हारी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज गोविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते कदा करीत सीमा कृपा कटाक्ष भाजनम मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधे चाहते। बोले हे किशोर जी आप हम लोग को पर भी कृपा करो। इसलिए राधा रानी फिर उन्होंने बोले ठीक है मेरे कुंड में प्रवेश करो, लेकिन कन्हैया तो नटखट है बड़ा शत्रु है। उन्होंने क्या किया, कृष्ण कुंड से राधा कुंड तरफ में बलसुरी से उन्होंने बीच में छेद कर दिया। छेद कर दिया तो कृष्ण कुंड का जितने सारे पानी थी राधा कुंड में सबके सब आ गया और सब कुछ बराबर हो गया। इसलिए जो बीच का जो स्थान ये संगम है, जैसे इधर कृष्ण कुंड इधर राधा कुंड, जो बीच है ये संगम है। संगम मतलब इसका मतलब है राधा कृष्ण तत्व तो ये कोई दो नहीं, बोले जापी राधा सापी कृष्ण चाराधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण, ये कोई दो अलग नहीं हो एक ही स्वरूप। जो बीच है राधा कृष्ण का ये मिलन स्थल श्री ये बीच का जो स्थान है, और उसमें जो राधा कुंड श्याम कुंड है, कभी ये राधा कुंड कुंड नहीं कृष्ण कुंड, कृष्ण कुंड नहीं, कहते जता राधा प्रियम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सर्वे का विष्णु रत्नत वल्लवा। जैसे श्री किशोर जो कृष्ण का बड़ा प्यारी है, उसी तरह ये कुंड राधा जी के अभिन्न श्री कुंड है। जो कृष्ण कुंड ये कृष्ण कुंड नहीं, ये कृष्ण कुंड साक्षात ये कृष्ण है। अगर इसमें कोई एक बार अगर कोई स्नान करे उसका आचमन करे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते उसको श्री राधा कृष्ण का प्रेम की प्राप्ति होगी। अगर ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, अगर राधा कुंड श्याम कुंड में खड़े होकर के कमर तक हो घुटन तक हो छाती तक हो अगर कोई स्नान कर ये अष्टव को 108 बार कोई पाठ करे, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के वो साक्षात रूप में दर्शन प्रदान करती है। इतने इसकी शक्ति है। जब राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, इतने में श्री श्याम सुंदर श्री जोग माया को आदेश दिए और जोग माया ने श्री वृंदा देवी को आदेश दी, क्योंकि जो वृंदा देवी ये कृष्ण का सारे मधुर लीला को पुष्ट करने वाले। बोले हे वृंदे ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतने सुंदर बनाओ, पृथ्वी में इतने सुंदर कोई स्थान नहीं हो। तब उनका आदेश पा करके राधा कुंड श्याम कुंड में चार तरह का कमल का फूल खिलता था, जिसमें श्वेत कमल, रक्त कमल, पीले रंग का कमल, नील कमल, चार तरह का कमल सुंदर सुंदर, जहाँ पर राज हंस जहाँ पर क्रीड़ा करते हैं, जहाँ पर अगल बगल में बड़े सुंदर लता पताओं से कुंजों से बड़े सुंदर रूप में उन्होंने श्रृंगार की, जहाँ पर कोयल, जहाँ पर पपिया, जहाँ पर मयूर बड़े सुंदर केका नहीं राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर कीर्तन करते हैं। इसलिए अभी आप जो भजन सुना चिंता मणिमय राधा कुंड तट ताहे कुंज सत सत प्रवाल विद्रुम मय तरलता ताहे कुंज सत अवनत। इसलिए यहाँ के जो वृक्ष है साधारण वृक्ष में फल होता है, लेकिन यहाँ का वृक्ष में
सुंदर सुंदर मोती हीरे जवाहरात यहाँ पर सुंदर सुंदर ये चीज के फल होता है, सुंदर रूप में यहाँ पर बनाए और चारी तरफ में जो अब दर्शन करोगे उन्होंने सुंदर सुंदर कदम की जहाँ पर आम की बकुलों की सुंदर झूला डाले, जिसमें झूला में जब राधा गोविंद जिसमें झूलते हैं झूलते समय उनका परछाई बड़े सुंदर पानी के ऊपर पड़ता है बड़े सुंदर रूप में। विशेष करके राधा कुंड श्याम कुंड में गुरु जी कहते थे विशेष करके पांच लीला यहाँ पर करते हैं, मधुर से मधुर लीला, एक तो कुंज लीला, दूसरा मधुपाल, तीसरा जल विहार, चौथा नौका विहार और जो पंचमा है कहते श्री झूला लीला। ये पांच तरह का लीला मधुर से मधुर लीला यहाँ पर श्री राधा गोविंद यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर उसी कोड़े में है जिस समय श्री सनात रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे बेनी बाला अंगिनी भणाम, राधा रानी का जो चोटी को उन्होंने उदाहरण दिया जैसे काल नागिनी के बराबर, एक ग्रंथ रूप गोस्वामी लिखे जिसका नाम था चाटू पुष्पाजल, उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिया, बोले देखो भैया ये ग्रंथ कैसे हुआ, उन्होंने पढ़े बोले बड़ा सुंदर दिव्य ग्रंथ लिखा है राधा रानी के रूप की वर्णना की, लेकिन एक चीज हमें कमी लगा, बोले किस चीज की, बोले राधा रानी की चोटी को जब तुमने वर्णना की काला नागिनी के बराबर तुमने वर्णना कर दी, कहाँ राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी, कहाँ राधा रानी साक्षात आनंद स्वरूपिणी धादिनी शक्ति प्रेममयी रसमयी जो लावण्य सिंधु रसमूर्ति कृपा के सिंधु बात्सल्य सिंधु जो साक्षात रस की समुद्र है, लेकिन तुमने उनकी चोटी को तुमने बता दिया बेणी बालागिनी बना काला नागिनी के बराबर, ये थोड़ी सी गड़बड़ी लगता है। बोले भैया होगा तो हम इसको सुधारेंगे। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते करते जब उसी कोण में पहुंचे उन्होंने देखा सुंदर कदम की झूला डला हुआ, रिमझिम बारिश हो रही है, बीच में 13.5 साल की बड़ी सुंदरी एक किशोरी बैठी हुई, अगल बगल में कुछ सखिया उनको सुंदर झूला झुला रही है, झुलाते समय चोटी राधा रानी की सर से लेकर चरण तक उनकी चोटी है सुंदर सुंदर बेड़ी बनाए, अब चोटी का ऊपर होता है मोटा नीचे होता है पतला जैसे सर्प जैसे, इतने में सनातन गोस्वामी दूर से देख करके बोले लाली लाली तुम लोगों को दिख नहीं रहा है और इसको पीछे 3-4 सांप चढ़े हुए, इतने में जब सनातन गोस्वामी भागते हुए आए वो बीच में जो किशोरी राधा रानी बैठी हुई थी उनने धीरे धीरे थोड़ी सी मीठी मीठी उन्हें मुस्कराया, मुस्कुरा कर कहां लीला कर ध्यान हो गया, अरे मैंने ये क्या देखा, फिर उनको याद आया अरे रूप गोस्वामी ने जो बताया राधा रानी का चोटी कैसे है बेणी प्याला गिरी पड़ा उनने सही बात बताई। इसलिए जब ये लीला हो गई सत्य जो की ये हो गई द्वापर जो की, धीरे धीरे समय के प्रभाव से धीरे 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 ये धीरे 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 लीला अंतर ध्यान होने लगा लीला स्थली। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु यहीं पर नृत्य करते करते भक्त लोगों को साथ में आए, लेकिन किसको पता ही नहीं राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पर, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड सर्वश्रेष्ठ लीला स्थली है, लेकिन किसको पता ही नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गई। लेकिन जब महाप्रभु आए बोले यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पर, बोले यहाँ तो कोई राधा कुंड श्याम कुंड नहीं लेकिन यहाँ पर दो खेती है, बोले किया बोले की काली खेती और के गौर खेती, महाप्रभु स्वयं कृष्ण वो जानते हैं कहाँ पर उन्होंने प्रकट किया, केवल ये शिक्षा देने के लिए ये ब्रजवासियों की अनुगत में दर्शन करने चाहिए, इसलिए बोले ये काली खेती गौर खेती, महाप्रभु ने कहा ये काली खेती नहीं ये स्वयं कृष्ण कुंड है, ये गौर खेती नहीं ये स्वयं श्री राधा कुंड, महाप्रभु गए और आचमन लिया और चारों तरफ में प्रचार हो गया राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की। और यहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, अभी जब भजन करते थे राधा कुंड श्याम कुंड का बीच में बैठी करके साक्षात राधा रानी आकर के उनके सर के ऊपर में अपना कपड़ा रख करके उनको छाया करती थी और उनको पास में बांध आ करके पानी पीते थे। जब यहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे एक दिन है अभी इनकी इच्छा होती, सब लोग आते हैं स्नान करने के लिए लेकिन चारों तरफ में कीचड़ कीचड़ ये बंधा हुआ नहीं था, इनके मन में इच्छा हुई अगर थोड़ी सी बंध जाए पत्थर से लोग सुष्ट रूप में स्नान कर सकते हैं आचमन कर सकते हैं, इनकी भावना को समझ करके एक बहुत बड़ा सेठ था जिसने जा रहा था दक्षिण देश में बहुत सारे बद्रीनारायण दक्षिण देश में जा रहे थे नारायण की सेवा करने के लिए सोने दाने लेकर के श्री रंगम जी जा रहे थे उनको मंदिर बनाने के लिए, इतने में बद्री
इतने में उनको स्वप्न आदिष्ट हुआ, नारायण ने स्वयं स्वप्न दी, बोले देखो तुम राधा कुंड श्याम कुंड में चले जाओ, वहां पर एक संत है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, तुम उनको ये पैसा दे देना, बोलना ठाकुर का निर्देश है ये कुंडों को अच्छे तरह से संस्कार कर दो। जब इनको पैसा देने के लिए आए, बोले हाय रे मेरे कहा ये कर्म में फंस रहा हूँ, ये दिव्य भूमि चिंतामणि मैं राधा कुंड कहा चिंतामणि युक्त, और इसको मैंने बनाने के लिए कोशिश की, मैंने कितने दुर्बुद्धि, पर भजन छोड़कर फिर इसी में लोगों का मेरे, बोले पैसा की जरूरत है नहीं तुम ले जाओ, फिर स्वप्न आदिष्ट हुआ, मेरी इच्छा है लोगों का बड़े कल्याण होने वाले ये काम तो करो। उन्होंने तो कृष्ण राधा कुंड को देखो चार कोना करके बना दिया ठीक से, लेकिन जब कृष्ण कुंडों को बनाने के लिए गए, रात को स्वप्न दिए पंच पांडव, बोले रघुनाथ हम तुम आकर के दक्षिण दिशा में देखना, हम पांच वृक्ष लाइन करके खड़े हुए हैं, एक तमाल वृक्ष, एक कदम वृक्ष, एक पिल्लू वृक्ष, एक नीम वृक्ष, तुम देखना ऐसे पांच वृक्ष हम लाइन होकर खड़े हुए, ये वृक्ष नहीं हम पंच पांडव, जब ब्रज की लीलाओं को श्रवण किया, ब्रज गोपियों की राधा जी की महिमा सुनी, हमारा हृदय में भी वासना हुई हम भी राधा रानी के आनुगत्य में श्याम सुंदर की सेवा करें, इसलिए हम वृक्ष नहीं हम साक्षात रूप में पांच पांडव है। जैसे ये कुंड उसको बेच रख दो, ठाकुर का जो इच्छा, क्योंकि ये कृष्ण राधा कुंड तो कुंड नहीं, ये साक्षात राधा और कृष्ण है, देखना राधा रानी जैसे सिद्धि जाती है ना, कुंड भी देखना प्रसिद्ध जाती है, और कृष्ण जैसे तीन जगह त्रिभुवन ललिता देख लेना कुंड को ठीक, कृष्ण जैसे टेढ़े हैं वो कुंड भी वैसे टेढ़े हैं, इसलिए ये कृष्ण राधा कुंड नहीं, ये साक्षात राधा और कृष्ण ये साक्षात कुंड रूप में प्रकट हुए। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो राधा कुंड श्याम कुंड है, कहते स्थान काल और पात्र, जब किसी स्थान के महत्व बताया जाता है तीन चीज को द्वारा, स्थान कहते राधा कुंड श्याम कुंड, साक्षात राधा कृष्ण ये दोनों आग है, इसलिए ये कृष्ण राधा ही कुंड रूप में ये स्थान है। बोले काल है, काल मतलब यहाँ पर जो लीला करते थे मध्यान्ह लीला है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में जब अष्टजाम की उन्होंने वर्णना की, वहां पर जैसे अष्ट प्रहर है, लेकिन जो बीच का जो दो प्रहर है सबसे ज्यादा समय बहुत ज्यादा, क्यों यहाँ पर तरह तरह का होली बोट पास्ट है, जल विहार सबके सब मधुर से मधुर लीला मध्यान लीला है। राधा कृष्ण जहाँ पर स्वच्छंद रूप में, क्यों कभी कभी दूसरे जगह में लीला हो ये जटिला कुटिला कभी कभी आकर के बीच में बाधा देती थी, लेकिन ये जो स्थान है संपूर्ण जोग माया के द्वारा संपूर्ण ही रक्षित स्थान, यहाँ पर जटिला कुटिला प्रवेश नहीं कर सकते और उनको लीला में कोई बाधा नहीं दे सकते, निश्चंद रूप में यहीं पर राधा कृष्ण विहार करते थे। बोले पात्र यहाँ पर जिनको जैसे शारदीय राज दूसरे दूसरे सपक्ष विपक्ष तटस्था अलग अलग सब गोपियां होती थी, साधन सीधा नित्य सीधा, लेकिन यहाँ पर केवल राधा रानी की पक्षे के जो गोपियां हैं इनके बगैर यहाँ पर और कोई प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले वृंदा विभिन्न सुरम में अभी, यद्यपि वृंदावन की बड़ी महिमा है, यद्यपि दूसरे दूसरे स्थान का प्रेम सरोवर की बड़ी महिमा है, लेकिन गुरुदेव कहते थे जितने स्थान का जितने सारे महिमा को ब्रज मंडल में उसको मिला दो, लेकिन मिलाने पर भी राधा कुंड की जो महिमा गुरुदेव कहते थे, लेकिन यहाँ करोड़ों गुण करने पर भी एक बूंद के साथ में यहाँ बराबर नहीं कर सकते, क्यों बोले राधा रानी के जो माधनाख्य भाव है यही पर ही प्रकट होता था। इसलिए जो स्थली हर तरीका से ये सर्वश्रेष्ठ स्थली हमारे जितने गोस्वामी लोग हैं सबके सब यही पर आश्रय करते हुए भगवान की भजन किया, लेकिन कहीं भी रहो हाँ, लेकिन मन से रहो, मन से राधा कुंड श्याम कुंड में निवास करो, भले कहीं ना कहीं रहो। इसलिए हम लोग राधा कुंड श्याम कुंड में आए, यहाँ पर गोस्वामियों को राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करते हैं, ठाकुर ने यहाँ पर जो दिव्य लीला की एक दिन हमारे हृदय में लीला प्रकट हो और एक दिन हम राधा कृष्ण सेवा में प्रवेश कर सके। पंचाकल्पतरु भक्त कृपा सिंधु भैरव सत्कारम पावन।